नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सीबी ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में NCP के कॉन्सेंट्रेट ए, बी और सी के कुल 74 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड ये भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी, जो कि आरंभ से एक वर्ष के लिए होगी। इस अवधि को CPCB की आवश्यकता और उम्मीदवारों की कार्य क्षमता प्रदर्शन के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में NCAP कॉन्सेंट्रेट ए, बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cpcb.nic.in पर जाकर जॉब सिलेक्शन में एक्टिव लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से संबंधित भर्ती अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई भी वहीं से कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 10 अक्टूबर तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं भरना है। CPCB NCAP कंसेंट्रेट ए की भर्ती के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों को संबंधित विषय में PG या ग्रेजुएशन डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। कंसेंट्रेट बी के लिए अनुभव न्यूनतम 5 वर्ष और कंसेंट्रेट सी के लिए कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। तीनों ही कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।